तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मैं हूँ हर्ष, करें हर्ष गेमिंग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपने एंड्रॉइड डिवाइस में शेडो फाइट 3 कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वो भी प्ले कर सकते हैं भी फ्री पूरी तरीके से फ्री। चलिए, पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आपको वो डिस्क्रिप्शन की लिंक ब्राउजर में खोल लेनी है। सिंपली कुछ नहीं करना है, एक मिनट। खोलने के बाद आपको इमेज दिख जाएंगी, आपका पेज खुल जाएगा। पहले आपको पता क्या करना है, उसके बाद आप रिडायरेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएंगे और ये शैडो फाइट 3 के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड XAPK, उसका साइज़ है 343.3 MB। इस पर डाउनलोड XAPK क्लिक कर देना है आपको। फिर आपका अगला पेज आता है, अगर अगले पेज आते हुए आपका डाउनलोड ऑप्शन स्टार्ट नहीं होता आता नहीं है तो आप क्लिक हेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक हेयर पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा, एक मिनट आने वाला है। ये वेबसाइट थोड़ा धीरे चलती है इसलिए देखिए आ गया। डाउनलोड कर लीजिएगा ऐसे, जब डाउनलोड हो जाए आपकी फाइल। डाउनलोड करने के बाद आपको मैंने एक और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उस लिंक पे ऐसे देख लीजिएगा क्लिक करके। क्लिक हेयर पे डाउनलोड करना, डाउनलोड पर क्लिक करना, फिर आपका नेक्स्ट पेज आएगा। अगर आपका डाउनलोड नहीं होता है इस वेबसाइट से, अगर आप करना चाहें देख सकते हैं करके, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है ये XAPK इंस्टॉलर है APK नहीं होता है तो मैं आपको दूसरी लिंक एक और लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा इस लिंक पे, आपको क्या पता हो ही जाए, क्या पता नहीं हो, मेरे भी नहीं हो पा रहा नेटवर्क की वजह से, आपका हो सकता है। देखिए उसके बाद जब ये दोनों चीज़ हो जाए आपके में, तो आपको पता है आपको जेड, इसमें आपको बता देता हूँ Z archive बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, एक मिनट। इसमें बिल्कुल भी Z archive यूज़ नहीं करना है आपको। इसमें बस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था XAPK इंस्टॉलर जो आपने डाउनलोड कराया ऐप, उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको फाइल रखनी है अपने, एक्सट्रैक्ट नहीं करनी है फाइल, मतलब जो डाउनलोड फाइल है उसे रखे रहना है फ़ोन में, और बाद में अपने XAPK इंस्टॉलर फोन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अलग ही शैडो फाइट 3 का आइकन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। जब उसमें XAPK इंस्टॉलर में पूरी लोडिंग हो जाए शैडो फाइट 3 की, आपका गेम फिर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, गेम स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए गेम प्ले की बात ऐसी है, गेम प्ले मैं नहीं दे पाऊँ क्योंकि गेम प्ले मैं बताता हूँ कि वो गेम प्ले क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आप चलो दिखा देता हूँ क्यों नहीं दे पा रहा हूँ गेम प्ले, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं BKG Tech के नाम से, बहुत सारे चरण आ गए हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन चरण है, एक मिनट। इसमें नहीं आ रहा सर, एक मिनट, देखिए रहा BKG Tech, ये देखिए ये डाल रखा हाउ टू डाउनलोड शैडो फाइट 3 ऑन एंड्रॉइड हिंदी 3 days ago। देखिए ये इन्होंने कल या परसों डाली है वीडियो, ये वीडियो मैंने इनके में से देखी है, इन्होंने साफ बताया इस वीडियो में कि हम ये गेम प्ले नहीं चल पा रहा है। देखिए गेम प्ले इन्होंने दिखाया है खेल के, पर देखिए जैसे ही उन्होंने गेम स्टार्ट करते हैं, गेम चलता जरूर है पर उस पर से स्टार्ट गेम पे क्लिक करता है, स्टार्ट गेम पे क्लिक हो नहीं पाता, मतलब गेम एक तरह से पॉज हो जाता है और फिर आपके स्क्रीन, फिर आपका खुद ब खुद रिबूट हो जाता है फ़ोन। देखिए इसकी वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, अगर क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होती है बैकग्राउंड में होती है, देखिए ऐप बैकग्राउंड में चल रहा है, मूविंग स्क्रीन रिकॉर्डर मेरे समय बैकग्राउंड में चल रहा है, तो बैकग्राउंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से गेम चल नहीं पाता है। तो गेम प्ले देखिए बहुत कम लोगों ने दिया होगा तो ऐसे दिखा होगा कैमरे से रिकॉर्ड करके। देखिए मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि किसी का भी कोई, बहुत से लोग दे ही नहीं पाए इसका गेम प्ले, क्योंकि चल ही नहीं पा रहा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से हो ही नहीं पा रहा, गेम अटक जाएगा। और एक बात और, ज़्यादातर अगर आप सोच रहे हैं गेम प्ले नहीं देना चाहता मैं, क्या कुछ भी है रावण का गेम प्ले नहीं दिया, देखिए हर चीज़ में डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता, प्ले करके नहीं दिखा सकता। देखिए मेरे पास भी स्पेस होता है, अगर मैं हर चीज़ डाउनलोड करूँगा फिर मैं उसे खेलूँगा तो उसमें स्पेस लगेगा, डाउनलोड करने में डाटा वेस्ट होता है, थोड़ा बहुत डाटा वेस्ट होगा, उसके बाद मैं खेलूँगा उसमें स्पेस थोड़ा सा मेरा लेगा वो गेम, तो मैं देखिए मैं अगर गेम भरता रहूँगा अपने SD कार्ड मेमोरी में तो मेरे फ़ोन तो फिर फुल हो जाएगा, मैं और गेम वीडियोस बना ही नहीं पाऊँगा, गेम डाउनलोड ही नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा गेम डाउनलोड नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको बता देता हूँ गेम डाउनलोड। और देखिए ये नहीं कि गेम फेक, वीडियो फेक है, ये गेम फेक है चल नहीं रहा, गेम चल रहा है इसलिए लाता हूँ आपके इस चैनल पर वीडियो, मैं जो वीडियो लाता हूँ उस पर सारी वीडियो तक मेरे सारे रियल वीडियो है, ऐसा नहीं है कोई फेक वीडियो है। आपको लगता है कोई फेक वीडियो तो सब कमेंट में डाल सकते हैं, पर देखिए कोई फेक वीडियो नहीं है, सारी सारी रियल वीडियो है, जो चीज़ चलती है वही लाता हूँ मैं। ठीक है चल रही है, आप चेक कर सकते हैं, आपको फिर भी विश्वास नहीं होता तो आप BKG Tech से पूछ सकते हैं, मैं उनका नंबर भी दे दूँगा आपको, वैसे तो वो नंबर दे, वैसे उन्होंने वीडियो में दे रखा होगा नंबर, वीडियो के नीचे दे रखा है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रखा है, अपना नंबर भी दे देते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
आप जाएं तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आपको चल जाएगा बिल्कुल आराम से चलेगा। और स्क्रीन आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से हमारा गेम चल नहीं पाएगा। अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो हम वीडियो नहीं डाल पाएंगे, वीडियो नहीं बना पाएंगे और अपलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमें एक तरीके से परेशानी हो रही है, इस वजह से हमें गेम प्ले को डालने की परेशानी नहीं थी। बिगेजी टेक ने भी नहीं डाल पाया, बिगेजी टेक ने खेल खोल के दिखाया था गेम को, पर गेम स्टार्ट गेम पर क्लिक कर रहा था, स्टार्ट गेम पर क्लिक नहीं हो रहा था, गेम एक तरह से पॉज हो गया था, स्क्रीन बिल्कुल रुक गई थी, कुछ भी टच नहीं हो रहा था। तो देखिए इस वजह से नहीं हो पा, फिर परेशानी होती है फ़ोन में, ऐसे फ़ोन ख़राब भी हो सकता है। तो गेम खराब नहीं, गेम में कोई परेशानी नहीं है, बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा गेम हैंग हो जाता है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है, इसलिए हम दिखा नहीं पाते उसे। और एक बात और, मेरे पास एक परसों कमेंट आया था, कल आया था, सॉरी दिखा देता हूँ, वैसे कमेंट आया था, मेरे पास कमेंट आया था श्रेष्ठ आर्य का, उन्होंने पूछा था मेरी जो वीडियो थी हाउ टू डाउनलोड PS3 बेसिक्स फाइव मैन इन एंड्रॉइड, इन्होंने पूछा था मेरी फ़ोन की 2 GB रैम है फिर भी जब मैं गेम स्टार्ट कर रहा हूँ तो ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको गेम प्ले मैंने आप चाहें तो वीडियो बता के चेक कर सकते हैं, हाउ टू दिया मैं PS3 बेसिक्स फाइव मैन गेम प्ले इन एंड्रॉइड आ जाएगा, सबने डाली है, वो डॉल्फिन एमुलेटर में खेल रहे हैं। जी हाँ डॉल्फिन एमुलेटर चल रहा है, क्या पता डॉल्फिन एमुलेटर डेवलप हो रहा हो, डॉल्फिन एमुलेटर की आपने बहुत पुरानी APK करी हो या आपने पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं करी होगा। देखिए यही प्रॉब्लम रावण के साथ आ रही थी, बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट डाले गेम चल रहा, उन्होंने पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं करी थी और उन्होंने डाल दिया कमेंट में गेम नहीं चल रहा। देखिए गेम चलेगा, आपने पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट करी, मैं बता देता हूँ कितनी GB की फाइल है, 5 GB की से थोड़ी सी कम है, 5 GB दोबारा सुन लीजिए, 5 GB से थोड़ी सी कम है बस, छोटी है, 5 GB से 100 या 200 MB कम है बस, इतनी बहुत बड़ी फाइल है। और गेम क्योंकि बहुत बड़ा है और ग्राफिक्स देखिए आपको थोड़े लो मिलेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल लो मिलेंगे, GTA San Andreas जैसे ग्राफिक्स मिलेंगे। और कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं। देखिए अगर आपका डॉल्फिन एमुलेटर में पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है फिर भी आपका गेम नहीं चल रहा है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैंने को वीडियो बनाई थी रावण की, उसमें आपको मैंने एक एमुलेटर की लिंक दी थी प्ले एमुलेटर की, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने प्ले एमुलेटर की लिंक दी थी, डाउनलोड कर लीजिए प्ले एमुलेटर, उसका आइकन में प्ले, उस पर आइकन उसका नाम है प्ले, एमुलेटर का नाम है प्ले प्ले स्किन, उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसमें चला के देख लीजिए, वो PS2 का एमुलेटर है, क्या पता उसमें चल जाए, क्योंकि ये गेम PS2 का भी है, क्या पता उसमें चल जाएगी, अगर डॉल्फिन एमुलेटर में नहीं चल रहा है तो आप उसमें चला सकते हैं। उन्होंने पूछा था उनसे पूछा था आपकी सारी फाइल एक्सट्रैक्टेड है, उन्होंने कहा था आई हैव एक्सट्रैक्टेड ऑल फाइल्स। देखिए क्या पता आपने पूरे फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं करी हूँ, आप मुझे इस वीडियो को कमेंट में डाल सकते हैं कि आप मुझे बताइए इस जो आपने फाइल एक्सट्रैक्ट करी है उसका साइज़ कितना बैठ रहा है, उसका अगर आप साइज़ बताते हैं आप साइज़ कमेंट में भेजिए, मैं आपको कौन से बता दूंगा। अगर आपका साइज़ 3 GB बैठ रहा है 4 GB बैठ रहा है तो देखिए गलत है, 4 GB साइज़ भी गलत है, क्योंकि 4 GB का 4 GB तो बहुत बड़ा गेम, 4.5 GB से 4.5 GB से भी बहुत बड़ा गेम है ये। तो देखिए डाउनलोड करने एक्सट्रैक्ट डाउनलोड करने छोटा लगता है 2 GB का लगता है, पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा क्योंकि गेम बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया गेम है। तो देखिए इनका आंसर हो गया, और किसी को प्रॉब्लम आती है तो डाल सकते हैं कमेंट में, और आपको सब बता दिया मैं गेम खेलेगा जरूर शैडो फाइट 3। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें, व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे अभी शेयर कर दीजिए वीडियो देखने के बाद ही। चलिए मिलते हैं, बाय।